मिशन शक्ति तो एक बहाना था, भारत का असली मकसद तो दुनिया को यह बताना था कि जिस काबिलियत का तबला तुम आज पीट रहे हो, भारत उसमें विश्वगुरु रहा है। आर्यभट्ट से लेकर कलाम जैसे महान भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत को सदैव अंतरिक्ष का बेताज बादशाह साबित किया है। न केवल साबित किया बल्कि जरूरत पड़ने पर दुनिया को भारत के कौशल से चमत्कृत भी किया है। मिशन शक्ति जिसमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण को अंजाम दिया गया, यह एक असाधारण घटना है। भारत ने ऐसा करके खुद को अमेरिका, चीन और रूस के एलीट क्लब में शामिल किया है। ऐसा जरूरी भी था, ऐसी भी आशंका की जा रही थी कि दुनिया के कुछ शक्तिशाली देशों को भारत के इस कदम का अंदेशा हो चुका था और ये देश स्पेस मिसाइल परीक्षणों पर कोई सख्त कानून लाने की तैयारी में थे। यह सच है अथवा झूठ, मिशन शक्ति के बाद अब ऐसे किसी कानून के मायने भारत के लिए लगभग खत्म हो गए हैं। भारत अंतरिक्ष में शत्रुओं के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर चुका है। अब अंतरिक्ष में भारत अपना कार्यक्रम चलाने के लिए स्वतंत्र है। अब चीन, अमेरिका और रूस का अंतरिक्ष में एकाधिकार नहीं रहा है, भारत भी उसका हिस्सा है। पर भारत का मकसद अंतरिक्ष में केवल मिशन शक्ति की सफलता के साथ पूर्ण विराम लगाना नहीं है, बल्कि अब भारत भविष्य के लिए काफी बड़े अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। खास बात यह है कि चीन और अमेरिका जैसे मुल्क भी अभी तक वहां नहीं सोच रहे हैं जिसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी कमर कसी है। मतलब यह कि भारत अब अंतरिक्ष सेना को बनाने के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। अंतरिक्ष सेना के बारे में हम लोगों ने अधिकतर हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन भविष्य में भारत के पास भी एक ऐसी ब्रिगेड होगी जो अंतरिक्ष में शत्रुओं की साजिश का सामना करने के साथ साथ उनसे आमने सामने की लड़ाई भी लड़ेगी। भारत अमेरिका, चीन और रूस को टक्कर देने के लिए एलियो, जियो, सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में मौजूद उपग्रहों के खिलाफ ए सैट वेपन्स विकसित करने के दूरगामी लक्ष्य पर काम कर रहा है, ताकि अंतरिक्ष में बढ़ती सामरिक संपदा पर उभरते खतरों से निपट सके। बड़ी बात यह है कि भविष्य की लड़ाई अंतरिक्ष में ही लड़ी जानी है, क्योंकि अंतरिक्ष में तैर रहे उपग्रह ही सटीक लोकेशंस और जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। किसी भी बड़े युद्ध के हालात में कोई भी देश इन्हें जरूर ध्वस्त करने की सोचेगा। इसके लिए भारत अपनी सेना के लिए बहुत बड़े एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम पर काम कर रहा है। साथ ही सेना की जरूरतों के हिसाब से छोटे छोटे उपग्रहों की लॉन्चिंग पर भी काम हो रहा है। यूं भी भारत को इसमें सफलता मिलने की गुंजाइश बहुत अधिक है, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों की अक्षमता और दुनिया की सबसे सस्ती उपग्रह लॉन्चिंग की काबिलियत केवल भारत ही के पास है। भारत को बड़ा खतरा चीन से है। चीन को ऑर्बिटल वेपन विकसित करने की तैयारी में है। को ऑर्बिटल वेपन मूल रूप से एक उपग्रह ही होता है। इस उपग्रह की खासियत यह है कि इसमें DEW डिवाइस के साथ पहले से ही विस्फोटक और आधुनिक हथियारों से लैस करके अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, जो आवश्यकता पड़ने पर जब चाहेगा किसी भी देश के सैटेलाइट को नष्ट कर देगा। यानी यह उपग्रह एक सैनिक की तरह अंतरिक्ष में विचरण करता हुआ अन्य देशों के उपग्रहों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। भारत भी ऐसे ही सैनिक उपग्रह की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब अंतरिक्ष में भी एक भारतीय सेना मौजूद होगी, जो हमारे वैज्ञानिकों की अक्षमता की वजह से भारत भूमि को सुरक्षा कवच प्रदान करने में सक्षम रहेगी। सरकार चुनाव के बाद ही फुल फ्लेज एरोस्पेस मिलिट्री कमांड बनाने पर निर्णय ले सकती है, जिसके बाद भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में एक पराक्रमी भारतीय सेना स्थापित कर सकेंगे। भारत की सरकार भी वैज्ञानिकों के साथ दूरदृष्टि से सोच रही है। यानी चीन जैसे मुल्क की किसी भी गलत हरकत करने पर जमीन पर तो निपटा ही जाएगा, स्पेस में भी उसकी हेकड़ी नहीं चलने दी जाएगी। इसके अंतर्गत भारत के वैज्ञानिक कुछ ऐसे प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं जो चीन के को ऑर्बिटल किलर्स की मौजूदगी के साथ अपने उपग्रहों को इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल अटैक से बचाने में भी सक्षम होंगे। यह भारत है, 21वीं सदी का भारत, जहां विज्ञान भी है, विकास भी है, विकसित होने की क्षमता भी, विश्व गुरु बनने का दृष्टिकोण है, तो वसुधैव कुटुंबकम का शंखनाद भी। भारत आक्रमणकारी नहीं है, अतिथि देवो भव वाला आमंत्रणकारी है। पर अगर भारत की सार्वभौमिकता और उसकी संप्रभुता से कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसका काल निश्चित है। इसके लिए पिद्दी पाकिस्तान हो या विस्तारवादी कुटिस्थ मानसिकता वाला चीन, इन सबको भारत की सेना से मुकाबला करना पड़ेगा। भारत की यह सेना जल में भी है, थल में भी है, वायु में भी है और अब अंतरिक्ष में सजने जा रही है। यानी हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, जय जवान जय हिंद वंदे मातरम।